युधिष्ठिर का वनवासी, मुनि एवं सन्यासी होने का विचार तथा भीम और अर्जुन द्वारा उसका विरोध। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन, थोड़ी देर तक मन को एकाग्र करके मेरी बात सुनो और उस पर विचार करो, फिर तुम भी मेरे कथन का अनुमोदन करोगे। क्या तुम्हारे कहने से मैं उस मार्ग पर न चलूं जिस पर श्रेष्ठ पुरुष सदा चलते आए हैं? नहीं, मुझसे यह न होगा। मैं तो सांसारिक सुखों पर लात मारकर अवश्य उसी मार्ग पर चलूंगा और वन में फल मूल खाकर कठोर तपस्या करूंगा। सवेरे तथा सायंकाल में स्नान करके विधिवत अग्नि में आहुति डालूंगा और शरीर पर मृगछाला तथा वल्कल वस्त्र धारण कर मस्तक पर जटा रखूंगा। सर्दी गर्मी हवा तथा भूख प्यास का कष्ट सहन करूंगा और शास्त्रोक्त विधि से तप करके अपने शरीर को सुखा डालूंगा। एकांत में रहकर तत्व का विचार किया करूंगा और कच्चा पक्का जैसा भी फल मिल जाएगा उसी को खाकर जीवन निर्वाह करूंगा। इस प्रकार वनवासी मुनियों के कठोर से कठोर नियमों का पालन करके इस शरीर की आयु समाप्त होने की बाट देखता रहूंगा अथवा मुनि वृत्ति से रहता हुआ मस्तक मुंडा लूंगा और एक-एक दिन एक-एक वृक्ष से भिक्षा मांगकर देह को दुर्बल कर डालूंगा। प्रिय और अप्रिय का विचार छोड़कर पेड़ के ही नीचे निवास करूंगा। किसी के लिए न शोक करूंगा, न हर्ष, निंदा तथा स्तुति को समान समझूंगा। आशा और ममता को धो बहाकर निर्द्वंद हो जाऊंगा। कभी किसी भी वस्तु का संग्रह न करूंगा। आत्मा में ही रमण करता हुआ सदा प्रसन्न रहूंगा। दूसरों के साथ कभी कोई बात नहीं करूंगा तथा अंधों, गूंगों और बहरों की तरह विचरता रहूंगा। चर और अचर रूप में जो चार प्रकार के जीव हैं, उनमें से किसी की भी हिंसा नहीं करूंगा। सब प्राणियों पर मेरी समान बुद्धि होगी, न तो किसी की हंसी उड़ाऊंगा, न किसी को देखकर भौहें टेढ़ी करूंगा। चेहरे पर सदा प्रसन्नता छाई रहेगी। सब इंद्रियों को पूर्ण रूप से वश में रखूंगा, कोई भी राह पकड़कर आगे बढ़ता रहूंगा, किसी से भी रास्ता नहीं पूछूंगा, किसी खास देश या दिशा में जाने की इच्छा न रखूंगा, यात्रा का कोई विशेष उद्देश्य न होगा, न आगे की उत्सुकता होगी, न पीछे फिरकर देखूंगा, चित्त में कोई विकार नहीं रहेगा, अंतरात्मा पर दृष्टि रखूंगा और देहाभिमान से रहित हो जाऊंगा। भिक्षा थोड़ी मिली या स्वादहीन इसका विचार नहीं करूंगा। एक घर से भिक्षा न मिली तो दूसरे घर से मांगूंगा, वहां भी न मिलने पर तीसरे घर से। इस प्रकार न मिलने की दशा में सात घरों तक मांगूंगा, आठवें पर नहीं जाऊंगा। जब घरों में धुआं निकलना बंद हो गया हो, मूसल रख दिया गया हो, अंगारे बुझ गए हो, सब लोग खा पी चुके हो, परोसी हुई थाली को इधर उधर ले जाने का काम समाप्त हो गया हो, भिखमंगे भिक्षा लेकर लौट गए हो, ऐसे समय में मैं एक ही वक्त भिक्षा के लिए जाया करूंगा। सब ओर से स्नेह का बंधन तोड़कर पृथ्वी पर विचरता रहूंगा। ना जीवन से राग होगा, ना मृत्यु से द्वेष। यदि एक मनुष्य मेरी एक बाह बसुले से काटता हो और दूसरा दूसरी बाह पर चंदन चढ़ाता हो, तो मैं उन दोनों पर समान भाव ही रखूंगा। ना एक का मंगल चाहूंगा, ना दूसरे का अमंगल। केवल शरीर निर्वाह के लिए पलकों के खोलने, मीचने तथा खाने पीने आदि का कार्य करूंगा, परंतु इसमें भी आसक्ति नहीं रखूंगा। संपूर्ण इंद्रियों के व्यापारों से उपरत होकर मन के संकल्प को अपने अधीन रखूंगा। बुद्धि के मल का परिमार्जन करके सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त रहूंगा। इस प्रकार वीतराग होकर विचरने से मुझे अक्षय शांति मिलेगी। इस संसार में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और वेदनाओं का आक्रमण होता ही रहता है। इसके कारण यहाँ का जीवन कभी स्वस्थ नहीं रहता।
इस अपार सा संसार का तो त्यागने में ही सुख है। आज बहुत दिनों के बाद मुझे विशुद्ध विवेक रूपी अमृत प्राप्त हुआ है। इसके द्वारा मैं अक्षय, अविकारी एवं सनातन स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ। अतः उपयुक्त धारणा के द्वारा निरंतर विचरता हुआ मैं जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और वेदनाओं से भरे हुए इस शरीर का अंत करके निर्भय पद को प्राप्त हो जाऊंगा। यह सुनकर भीमसेन बोले, राजन, जब आपने राजधर्म की निंदा करके आलस्यपूर्ण जीवन बिताने का निश्चय कर रखा था, तो बेचारे कौरवों का नाश कराने से क्या लाभ था? आपका यह विचार यदि पहले ही मालूम हो गया होता, तो हम लोग हथियार न उठाते और न ही किसी का वध करते। आप ही की तरह शरीर त्यागने का संकल्प लेकर हम भी भीख ही मांगते। ऐसा करने से राजाओं के साथ यह भयंकर संग्राम तो नहीं होता? बुद्धिमान पुरुषों ने क्षत्रियों का तो यह धर्म बताया है कि वे राज्य पर अधिकार जमावें और यदि उसमें कुछ लोग बाधा उपस्थित करें तो उन्हें मार डालें। दुष्ट कौरव भी हमारे लिए राज्य प्राप्ति में बाधक थे, इसलिए हमने उनका वध किया है। अब आप धर्म पूर्वक इस पृथ्वी का उपभोग कीजिए, अन्यथा हम लोगों का सारा प्रयत्न व्यर्थ हो जाएगा। जैसे कोई मनुष्य मन में किसी तरह की आशा रखकर बहुत बड़ी मंजिल तय कर ले और वहां पहुंचने पर उसे निराश लौटना पड़े, यही दशा हम लोगों की भी होगी। आप जिस सन्यास की बात सोचते हैं, उसका यह समय नहीं है। जिनकी विचार दृष्टि सूक्ष्म है, वे बुद्धिमान पुरुष ऐसे अवसर पर त्याग की प्रशंसा नहीं करते, वे तो इसमें स्वधर्म का उल्लंघन समझते हैं। जो पुत्र पौत्रों के पालन में असमर्थ हो, देवता, ऋषि एवं पितरों का तर्पण न कर सके और अतिथियों को भोजन देने की शक्ति न रखता हो, ऐसा मनुष्य जंगल में जाकर मौत से अकेले जीवन व्यतीत कर सकता है। आप जैसे शक्तिशाली पुरुषों का यह काम नहीं है। राजा को तो कर्म ही करना चाहिए। जो कर्मों को छोड़ बैठता है, उसे कभी सिद्धि नहीं मिलती। तत्पश्चात अर्जुन ने कहा, महाराज, इसी विषय में एक बार तपस्वियों के साथ इंद्र का संवाद हुआ था। वह प्राचीन इतिहास मैं आपको सुनाता हूँ। एक समय की बात है, कुछ कुलीन ब्राह्मण बालक जो अभी बहुत नादान थे, जिन्हें मूंछ तक नहीं आई थी, घर बार छोड़कर जंगल में चले आए, सन्यासी बन गए। इसी को धर्म मानकर वे प्रसन्न थे। भाई बंधु और माँ बाप की सेवा से मुंह मोड़कर ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। एक दिन उन पर इंद्रदेव की कृपा हुई, वे सुवर्णमय पक्षी का रूप धारण करके उनके पास गए और उन्हें सुनाकर कहने लगे, यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन करने वाले महात्माओं ने जो कर्म किया है, वह दूसरे मनुष्यों से होना कठिन है। उनका यह कर्म बड़ा पवित्र और जीवन बहुत उत्तम है। उनका मनोरथ सफल हुआ और वे धर्मात्मा पुरुष उत्तम गति को प्राप्त हुए हैं। ऋषियों ने कहा, वाह, ये पक्षी यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन करने वालों की प्रशंसा करता है। यह तो हम लोगों की ही प्रशंसा हुई, क्योंकि हम लोग ही यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन करते हैं। पक्षी ने कहा, अरे, मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता। तुम तो जूठा खाने वाले और मूर्ख हो, पाप पंख में फंसे हुए हो। यज्ञ शिष्ट अन्न खाने वाले तो दूसरे ही होते हैं। ऋषियों ने कहा, पक्षी, यह बड़ा कल्याणकारी साधन है। ऐसा समझकर ही हम इस मार्ग का अवलंबन किए बैठे हैं। अब तुम्हारी बात सुनकर तुम पर हमारी श्रद्धा हुई है। अतः जो अत्यंत कल्याण करने वाला साधन हो, वही हमें बताओ। पक्षी ने कहा, यदि तुम्हारा मुझ पर विश्वास है, तो मैं यथार्थ बात बताता हूँ। सुनो, चौपायों में गौ, धातुओं में सोना, शब्दों में प्रणव आदि मंत्र और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण के लिए जात कर्म आदि संस्कार शास्त्र विहित हैं।
ब्राह्मण जब तक जीवित रहें, समय-समय पर उसका संस्कार होता रहना चाहिए। मरने के पश्चात भी उसका शमशान भूमि में अंत्येष्टि संस्कार तथा घर पर श्राद्ध आदि वेद विधि के अनुसार होना उचित है। वेदोक्त यज्ञ याग आदि कर्म ही उसके लिए स्वर्ग में पहुंचाने वाले उत्तम मार्ग हैं। वैदिक कर्म ही सिद्धि का क्षेत्र है। सभी प्राणी इसकी इच्छा रखते हैं। जहां इन कर्मों का विधिवत संपादन होता है, वह गृहस्थ आश्रम ही सबसे बड़ा आश्रम है। जो कर्म की निंदा करते हैं, उन्हें कुमार्ग गामी समझना चाहिए। उन्हें बड़ा पाप लगता है। देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ ये ही तीन सनातन मार्ग हैं। जो मूर्ख इनका परित्याग करके और किसी मार्ग से चलते हैं, वे वेद विरुद्ध पथ का आश्रय लेने वाले हैं। हवन के द्वारा देवताओं को, स्वाध्याय द्वारा ऋषियों को और श्राद्ध द्वारा पितरों को तृप्त करना यह सनातन धर्म है। इसका पालन करते हुए गुरुजनों की सेवा करना ही कठोर तप है। इस दुष्कर तपस्या को करके ही देवताओं ने बहुत बड़ी विभूति पाई है। जिनकी किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है, जो सब प्रकार के द्वंद्वों से रहित है, ऐसे ब्राह्मण इसी को तप मानते हैं। संसार में व्रत को ही तप कहते हैं, किंतु वह इसकी अपेक्षा मध्यम श्रेणी का है। जो यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन करते हैं, उन्हें अविनाशी पद की प्राप्ति होती है। देवताओं, पितरों, अतिथियों तथा परिवार के अन्य लोगों को अन्न देकर जो स्वयं सबसे पीछे खाते हैं, वे ही यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन करने वाले कहे गए हैं। अपने धर्म पर आरूढ़ होकर सुंदर व्रत का पालन और सत्य भाषण करते हुए वे इस जगत के गुरु समझे जाते हैं। अर्जुन कहते हैं, महाराज, वे ब्राह्मण कुमार पक्षी रूपधारी इंद्र की धर्म और अर्थ युक्त बातें सुनकर इस निश्चय पर पहुंचे कि हम लोग जिस स्थिति में हैं, यह हितकर नहीं है। इसलिए वे वनवास छोड़कर घर लौट गए और गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। अतः आप भी धैर्य धारण करके संपूर्ण भूमंडल का अकंटक राज्य कीजिए।